पूर्णिया में एक नवविवाहिता की संदिग्ध स्थिति में लाश मिलने से सनसनी फैल गई है। मृतिका की पहचान माधवी दास के रूप में हुई है। परिवार वालों ने बताया कि 2 साल पहले ही माधवी दास की शादी पूर्णिया के लाइन बाजार स्थित पुराने पोस्टमार्टम रोड के रहने वाले अमित कुमार दास से हुई थी। परिजनों ने पति पर हत्या का आरोप लगाया है। परिजनों को शंका है कि पति का किसी गैर महिला से अफेयर था, इसलिए मृतिका को रखना नहीं चाहता था। इसी विवाद को लेकर मारपीट करता था और रस्सी से गला दबाकर हत्या की गई है। लालगंज की रहने वाली माइकल, लालगंज में ससुराल, ये लाइन बाजार चौक में हुआ है। आज सुबह मुझे से फोन किया है कि आप लोग आइए, कुछ बात है। तो हम बताया नहीं गया था क्लियर कि डेट कर गई या कुछ भी। जब हम लोग आए हैं, देखते हैं पूरा तैयारी वारी करके रखा हुआ है लाश ले जाने के, लकड़ी वकड़ी सारा चीज तैयार करके रख लिया है, गला में रस्सी है। पुलिस को बुलाना चाहिए था कि आइए या फिर कुछ भी, या फिर उन लोगों को छूना ही नहीं चाहिए था कि हाँ ये खुद से फांसी लगा ली तो नहीं छूना चाहिए था। पुलिस को इन्फॉर्म करके नहीं किया। जब पूछे तो ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग MAX 7 लेके गए थे, तो MAX 7 लेके गए थे, दिखाइए मेडिकल रिपोर्ट, कुछ भी बनाए होंगे ना वहाँ एंट्री जब किए हैं, कुछ नहीं। और यहाँ आए हैं, जब हम लोग लाश को यहाँ लेके आ रहे थे पोस्टमार्टम के लिए, ये लोग हाथापाई घर में भी हम लोग से खुद किया है। यहाँ के दीदी, ये क्यों हाथापाई किया आप लोगों से, पता नहीं आने दे रहा था। ये दीदी के रिपोर्ट में लग गया जिस कारण कट भी गया है। और यहाँ आया है, यहाँ आने के बाद भी ये लोग खूब हाथा पे किया। अभी यहाँ ससुराल वाला का यहाँ कोई लोग नहीं है, सिर्फ हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अभी शादी कब हुआ था इसका? शादी हुआ था 6 मार्च में 2022, मतलब 2 साल पहले ही। 2 साल पहले ही शादी हुआ है। तो क्या कारण लगता है कि इनके साथ कभी मारपीट हो जाता था? कुछ नहीं करता था, लेकिन मेंटली टॉर्चर करता था। क्यों पता नहीं, ये कुछ बात बोल के कि नहीं रहना चाहते या कुछ भी, क्लियर तो बोलते नहीं थे। ये भी पति नहीं रहना चाहते थे। पति नहीं रहना चाहते थे। इनको कुछ दिन पहले बोला गया तुम 1500 लाख रुपया लो और निकलो यहाँ से, चले जाओ, नहीं रखेंगे। तो सब लोग जब घर में ये बात बोला गया तो हम लोग को लगा कि ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे। हम लोग उनको समझाए कि अरे ऐसा ही होता है, पति में पत्नी में होता है, ऐसे ही मजाक कर रहे होंगे, ये सीरियस थोड़े ना है। तो उस समय कुछ नहीं बोली है और चुपचाप रह गई है। मतलब पति बोला तो पैसा लेके आप छोड़ के चल जाओ, समाज के डर के मारे तो क्या लगता है ये इस तरह की चीजें? देखने से तो लग रहा है कि ये जानवर गला में रस्सी लगा के उसको जान से मार दिया गया है। गला घोटा गया है या फिर रस्सी से? ये तो लग रहा है रस्सी से गला घोटा गया है, वही लग रहा है जी। क्या नाम है? मारपीट का नाम माधवी दास है। मारपीट का भी है? नहीं, मारपीट का कोई क्लेम नहीं है। इनका जो रिलेटिव वाले सब है, उनका हस्बैंड तो आए ही नहीं है। हर रिलेटिव जो है यहाँ मारपीट करके गए हैं आप लोग के साथ। तो क्या बोलोग आप बोल जा रही है कि जब घर पे गए तो लोग लाश इनके जलाना चाहते थे, कुछ इस तरह का? अभी बोल, जब हम लोग आए हैं पूरा तैयारी था, अगल बगल के जो भी पता रहे ना, जैसे सामने में बहुत सारा मेडिकल स्टोर है, उन लोग को तक पता नहीं है। किसी को पता नहीं है कि घर में लाश रखा हुआ। आप लोगों को कैसे पता चला? हम लोग को इनके पर एक चाचा फोन किए और देर उन लोग के।